हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 से रिलेटेड आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। बीपीएससी अध्यक्ष ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा या नहीं, और बीएड वाले परीक्षा दे पाएंगे बीपीएससी की या फिर नहीं दे पाएंगे, तो इस पर उन्होंने ट्वीट करके पूरी जानकारी दी है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में उनका ट्वीट देखेंगे कि आखिर क्या कुछ उन्होंने कहा है। तो यहाँ पर इन्होंने साफ शब्दों में लिखा है, अतुल प्रसाद जी ने होल्डिंग ट्री ऑन टाइम एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ सम कैंडिडेट्स आर टू डिफरेंट थिंग्स, व्हाइल द फॉर्मर इज सो फार अनअफेक्टेड बाय द रिसेंट ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, द सेम कांट बी सेड फॉर द लेटर। कैंडिडेट्स शुड बी रियलिस्टिक इन मेकिंग अजप्शन इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी तरह का जो कैंडिडेट्स है वो भ्रम ना रखे कि परीक्षा को टालने की कोशिश करी जाएगी या कुछ भी, और ना ही हम अपनी तरफ से किसी को डिस्क्वालीफाई मानते हैं कैंडिडेट्स को। लेकिन दोस्तों समझने वाली बात तो ये है कि जब बीएड वालों के लिए पेपर वन सीटेट का ही वहाँ पर अमान्य घोषित कर दिया गया है, तो उसी के आधार पर तो बिहार वाला फॉर्म बच्चों ने भरा था। तो जब वही बेस ख़त्म हो गया है तो फिर परीक्षा देने का मतलब ही यहाँ पर कुछ नहीं बनता है। लेकिन फिर भी अध्यक्ष महोदय ने ट्वीट करके बिहार में सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय का कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ये अपनी तरफ से साफ किया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, भ्रम में नहीं रहे अभ्यर्थी, तय समय पर होगी प्रदेश में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा। तो यानी परीक्षा टलने का भी कोई आसार नहीं है। जो भी अभ्यर्थी भ्रम में थे कि भाई हो सकता है परीक्षा टाल दी जाए, तो ऐसा नहीं होगा, ये भी इन्होंने साफ शब्दों में कहा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे आज के न्यूज़पेपर में इन्फॉर्मेशन पूरी दी गई है कि प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के संबंध में दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्णय का बिहार में कोई असर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के एक मामले पर निर्णय सुनाते हुए प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए बीटीसी योग्यता को ही अनिवार्य बताया था। उस निर्णय के बाद बिहार के बीएड योग्यता वाले अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसी को देखते हुए बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट करके बताया कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा निर्धारित समय पर ही आयोजित होगी। शिक्षक भर्ती परीक्षा पर किसी तरह की रोक नहीं है और बीपीएससी की इस शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की कोई योजना भी नहीं है। आयोग की ओर से शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 24 से 26 अगस्त तक सभी जिला मुख्यालयों में दो पालियों में निर्धारित है और प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पूरी न्यूज़ आपके सामने यही है कि जहाँ भी आपको अब इस तरह की खबरें मिले कि भाई परीक्षा को पोस्टपोन किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला, ना ही ऐसी कोई प्लानिंग है सरकार की। आप सभी अपनी तैयारी करिए और बिल्कुल भी इस चीज़ पर ध्यान मत दीजिए। और बीएड वालों के लिए यहाँ पर बेसिक ख़त्म हो गया, जब आपका सीटीईटी को ही अमान्य घोषित कर दिया गया है पेपर वन को, तो फिर यहाँ पर परीक्षा देने का कोई तुक नहीं बनता है। तो यही आपके लिए आज की अपडेट थी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।